For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. संडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो हमें आराम करने के लिए मिले या फिर फिल्मों को ग्रो करने के लिए. यस, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए इस वीडियो में आपको आगे बताती हूँ. वेल, हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा. मैं हूँ ज्योति नाहक. और फिल्में जो हैं वो यूजुअली फ्राइडे को रिलीज़ होती हैं. एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब वेडनेसडे या थर्सडे को फिल्म रिलीज़ होती है, बट ज़्यादातर जब फिल्म फ्राइडे को रिलीज़ होती है तो वीकेंड का स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और संडे का दिन खास करके, क्यों? क्योंकि संडे को सभी को छुट्टी होती है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिल्में देखने चाहते हैं थिएटर्स तक. तो यहाँ पर बात मैं करना चाहूँगी सबसे पहले कबीर सिंह की, जिसने संडे के दिन सबसे ज़्यादा कमाई की है. यस, यानी कि 27.75 करोड़ का बिजनेस किया है कबीर सिंह ने संडे के दिन, जो कि अपने आप में बहुत अनएक्सपेक्टेड नंबर्स हैं. डेफिनेटली संडे है, स्कोप ज़्यादा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देना, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू फिल्म बहुत अच्छा चल रही है. वेल, कबीर सिंह तो नो डाउट डेफिनेटली अच्छी फिल्म है. हर कोई इस फिल्म को इंजॉय कर रहा है, लव्ड वंस जाके ज़रूर देख रहे हैं फिल्म को, और ख़ास करके लोग बाहर निकल कर शाहिद कपूर को याद नहीं कर पा रहे, लेकिन कबीर सिंह को याद कर रहे हैं. वेल, दैट इज़ द पावर ऑफ गुड एक्टिंग. वेन यू गिव अ गुड एक्टिंग इन अ फिल्म, आपको एज एन एक्टर लोग नहीं रिकोगनाइज करते, आपको एज अ कैरेक्टर लोग रिकोगनाइज करके निकलते हैं. दैट इज़ वन स्पेशलिटी. चलिए, कबीर सिंह ने तो 27.75 करोड़ का बिजनेस कर ही लिया है संडे के दिन, लेकिन यहाँ पर मैं लेकर आती हूँ आपके पास कुछ फैक्ट्स, जहाँ पर मैं आपको 10 फिल्म्स का रिकॉर्ड बताती हूँ कि संडे के दिन फिल्मों ने कैसी कमाई की है, और उन सबको पीछे छोड़कर कबीर सिंह आगे निकल गई है. यस, कहीं ना कहीं कबीर सिंह ने भारत को भी पिछाड़ दिया है. वेल, यानी कि शाहिद कपूर ने भारत फिल्म को भी पछाड़ के रख दिया है. किस तरीके से, मैं आपको बताती हूँ. भारत ने संडे के दिन कमाई की थी 25.54 करोड़ की. यस, यानी कि कबीर सिंह ने कमाया 27.75 करोड़, जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है भारत के कंपैरिजन में. वेल, उसके अलावा अगर बात करूँ दोस्तों, तो उससे पहले आई थी टोटल धमाल, जो कि थर्ड पोजीशन पर है, जहां पर टोटल धमाल ने 25.21 करोड़ का बिजनेस किया और भारत थी 25.54 करोड़. यानी थोड़ा सा डिफरेंस ही सही, लेकिन हाँ, संडे के दिन की कमाई अगर मैं काउंट करूँ तो यस, टोटल धमाल जो है 25.21 करोड़ के साथ थर्ड नंबर पर है. उसके बाद आती है फिल्म केसरी. अक्षय कुमार की फिल्म केसरी आई थी, ऑडियंस को बहुत पसंद आई ये फिल्म, और उस फिल्म ने कमाया 20.92 करोड़ का बिजनेस किया उस फिल्म ने संडे के दिन बॉक्स ऑफिस पर. उसके अलावा गली बॉय, बहुत हार्ड ये फिल्म, गली बॉय बहुत हार्ड फिल्म थी डूड, आज तक भी लोग पसंद कर रहे हैं. मुझे भी बहुत पसंद है गली बॉय, और गली बॉय ने अपने संडे के कलेक्शंस में भी उतनी ही अच्छी कमाई की थी जितना उन्होंने वीकेंड्स पर या वीकडेज पर किया था. वेल, गली बॉय 20.51 करोड़ के साथ फिफ्थ पोजिशन पर आती है इस लिस्ट में. उसके बाद आई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक. यस, विकी कौशल स्टारर उरी फिल्म ने, यामी गौतम है उस फिल्म में, इतना अच्छा बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस पर, लोगों को बहुत पसंद आई ये फिल्म कहीं ना कहीं, और उरी ने संडे के दिन कलेक्शन किया 15.26 करोड़ का. उसके बाद फिल्म आई थी मनी करने का, यानी कि फिल्मों की रिलीज डेट आसपास ज़रूर है, फिल्मों की रिलीज डेट ऊपर नीचे ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि कौन सी फिल्म किस किस टारगेट से नीचे है और कौन सी फिल्म जो है वो सबसे टॉप पर है. सबसे टॉप पर, जैसे मैंने बताया, ऑफ कोर्स कबीर सिंह है, उसके बाद तमाम फिल्में हैं. अब मैं पहुंची हूँ मणिकर्णिका पर. तो मणिकर्णिका जो है उसने अपने संडे के कलेक्शंस दर्ज किए 14.66 करोड़, जो कि काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर फिल्म्स ऑफ कोर्स. उसके बाद बात करते हैं फिल्म दे दे प्यार दे की. वेल, ये फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, लोगों को पसंद आ रही है फिल्म. एक रोम कॉम है, रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है विद अ गुड मैसेज रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, और ये फिल्म जो है इसने संडे के दिन कमाई की 13.97 करोड़ का बिजनेस किया इस फिल्म ने. उसके अलावा लुका छुपी, जो कि काफ़ी पसंद आई लोगों को, हाल ही में रिलीज़ हुई है लुका छुपी, उस फिल्म ने 13.88 करोड़ का बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस पर. यानी कि संडे के दिन, ये सारे कैलकुलेशन, ये सारे नंबर्स सिर्फ संडे की काउंटिंग्स हैं. उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th पोजीशन पर है सोटी, यानी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जिसमें टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया दोनों ही एक्ट्रेसेस ने डेब्यू किया था. टाइगर श्रॉफ कहीं ना कहीं फिल्म में अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी फिल्म को थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म मिला कंपेयर टू द फर्स्ट सोटी, जो कि डेफिनेटली बम्पर हिट साबित हुई थी. उस कंपेरिजन में ये फिल्म जो है थोड़ी कम साबित हुई, लेकिन इस फिल्म ने संडे के दिन 12.15 करोड़ का बिजनेस किया. देखा जाए तो ये सारे नंबर्स जो हैं अपने अपने लेवल पर अच्छे हैं, क्योंकि इस साल ये सभी फिल्में रिलीज़ हुई थी और सभी फिल्मों का बस बहुत ज़्यादा था, लेकिन इन सारी फिल्मों को पछाड़ के संडे कलेक्शंस में बम्पर ओपनिंग कर ली है शाहिद कपूर की कबीर सिंह ने.
और भारत को भी पछाड़ गया है, दैट मीन्स अब तो आप अश्योर कर सकते हैं कि डेफिनेटली कबीर सिंह हर जगह आया है और छा गया है, बॉस पार डाला है। सो आप लोगों ने फिल्म देखी अभी तक या नहीं देखी? नहीं देखी तो जाओ ज़रूर देखो, एंड वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि और किस फिल्म के बारे में क्या क्या जानना चाहते हो। मैं आपके पास रेगुलर अपडेट्स लेकर आती रहूँगी, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हम फाइनली 1.1 मिलियन की फैमिली हो चुके हैं, सो कंग्रेचुलेशंस टू अस, टू यू, टू मी, टू आवर चैनल। और साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल मूवीज अड्डा। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।